हेलो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकनॉमी बुक्स खोल लीजिए फटाफट चलिए सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व की जाती है हम उसकी बात करते हैं देखिए कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती क्या है जहाँ पर मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है प्रोड्यूसर का जो टारगेट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकनॉमी में जो भी प्रोडक्ट प्रॉफिट्स ड्रिवन है या जिस भी प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिख रहे होते हैं वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रोड्यूसर्स विल डिसाइड हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम अब व्हाट टू प्रोड्यूस तो समझ में आ गया कि वो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसे प्राइजेस ज़्यादा मिल रहे हैं जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस वो प्रोड्यूसर अंडर कैपिटलिस्ट इकनॉमी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो कि उसके लिए मोस्ट फेवरेबल हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मतलब जिसकी कॉस्ट कम से कम आ रही हो और क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा दे रही हो एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस कैपिटलिस्ट इकनॉमी में प्रोड्यूसर उसके लिए प्रोडक्शन करता है जिससे जो उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके आइए देखिए जरा मैंने क्या बताया वॉट टू प्रोड्यूस क्या करेगा जिसमें प्राइजेस ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है हाउ टू प्रोड्यूस चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस द वन हु कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट आइए देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर

ध्यान से देखिए लाइन पूरी जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर डिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ़ डिमांड एंड सप्लाई जब हम यूनिट फोर करेंगे मार्केट की तो उसके अंदर ये सीखेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई कर के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए दैट इज डिमांड एंड सप्लाई रिगार्डिंग हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी सोल्ड एट वॉट प्राइस ये लाइन थोड़ी सी कम समझ में आएगी जब तक आप मार्केट चैप्टर नहीं कर लेते ही और शी विल यूज द टेक्नोलॉजी विच इज मोस्ट फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड क्वालिटी एंड टारगेट्स दो कस्टमर्स हु कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट ये लाइन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है प्लीज दिख रहा है आपको वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ठीक है नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन काम क्या होता है सोशल वेलफेयर गवर्मेंट की तरफ से एक प्लानिंग कमीशन अपॉइंट की जाती है जो कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है एंड उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस हेयर द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट्स, रादर देन द ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर आई इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द मेन पर्पज इज सोशल वेलफेयर फॉर दिस परपज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स प्लानिंग कमीशन हु आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बाय कंडक्टिंग वेरियस सर्वे सर्वे कंडक्ट किए जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि सर्वे करने आते हैं पूछते हैं आपकी फैमिली में कितने लोग कमा रहे हैं उनकी क्या इनकम है क्या आपको बारह महीने नौकरी करते हैं परमानेंट जॉब कर इस तरह के सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर जा सके आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिसाइड्स वॉट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस बाई इनकॉपरेटिंग वेरियस सोल्यूशन इन द प्लान इंडिया में आपको पता है आप अली लेवल पर पढ़ के फाइव ईयर्स प्लान बनते हैं फाइव ईयर्स प्लान के अंदर उस जैसे फाइव अब ये देखा गया कि मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को खाने को ही नहीं मिल पा रहा है जो अनाज है वीट है राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है तो आने वाले फाइव ईयर्स प्लान के अंदर इस तरह के सोल्यूशन इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे कि किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सस्ते में अवेलेबल किया जा सके ताकि इंडिया की पॉपुलेशन उसे अफोर्ड कर सके और हर किसी को खाना मिल सके तो मतलब सर्वे किए जाते हैं सर्वे के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है फिर जो फाइव ईयर्स प्लान बनते हैं उन प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखकर सॉल्यूशंस ड्राफ्ट किए जाते हैं

जैसे कि मैं आपको बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ वेरियस वीडियोस में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स नहीं हैं तो ऐसे एरिया जो प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता बट सोशल इंपॉर्टेंस के हैं वहाँ पर फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है ताकि इकनॉमी के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे ठीक है तो इन द मिक्सड इकोनॉमी बोथ एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑपरेट साइमटेनियसली द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू कंपनसेट द वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व पार्टली बाय प्राइज मैकेनिज्म दैट इज डिमांड सप्लाई प्रोसेस एंड पार्टली बाय प्लानिंग कमीशन तो ये आपने देखा मेरे साथ वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्सड इकोनॉमी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स